मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को, उनके दिव्य और साक्षात संरक्षण को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूँगा। और गायत्री का मंत्र हम लोग कहें उससे पहले उसकी वैज्ञानिकता के विषय में दो बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी चेतना में जो प्राण बह रहा है उसके प्रवाह को अविरल बनाए रखने की जिम्मेवारी यदि किसी एक शक्ति की है तो माँ गायत्री की है। ध्यान से यदि हम लोग देखें तो ये जो मनुष्य का शरीर है जिसको धारण करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, इसमें जो असली कीमत है, जो सच्चा मूल्य है, जो सच्चा महत्व है, वो देह का नहीं, इसमें प्रवाहित हो रहे प्राण का है। प्राण यदि चले जाएँ, हमको विदा कह दें, हमसे दूर चले जाएँ प्राण, तो वही शरीर जिसके सुख कामनाओं वासनाओं की पूर्ति के लिए हम लोग दर दर भटकते हैं, ऐसा शायद ही कोई कुकर्म हो जिसको करने से इंसान संकोच नहीं करता यदि शरीर की कामनाओं की पूर्ति हो जाए। और उसी शरीर से यदि प्राण विदा हो जाते हैं, एक बार प्राण विदा हो जाएं तो उसी शरीर को जलाने की, दफनाने की, नष्ट करने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। प्राणों के जाते ही हम लोग प्राणी नहीं रह जाते, लाश बन जाते हैं। वो चरपट पंजरे का स्त्रोत्र, आदि शंकराचार्य ने एक वैराग्य का बड़ा प्यारा स्त्रोत्र लिखा है, उसका छठा या सातवां श्लोक है मुझे याद आता है, उसमें वो कहते हैं कि यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे। जब तक शरीर के अंदर जीव का, आत्मा का, प्राण का निवास है, तब तक उसकी कुशलता की कामना हर कोई करता है। जो कीमत है वो शरीर की नहीं है, जितने रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंध हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, जिनके साथ हम लोगों का अपनपन है, आत्मीयता है, अपनत्व है, वो इसलिए है क्योंकि वो इस शरीर के अंदर बहते प्राण को प्यार करते हैं। वो कहते हैं यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे गतवती वायो देहा पाए। प्राण विदा हो गया, गतवती वायो देहा पाए, भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। वो पति और पत्नी जिनने जीवन भर उस शरीर के साथ गुजारा होगा, न जाने कितने आनंद के क्षण रहे होंगे, वो भी उस लाश के साथ एक रात गुजारने को तैयार नहीं होंगे। जो कीमत है वो शरीर की नहीं है दोस्तों, प्राण की है। कहीं पर मैं एक चुटकुला पढ़ता था कि गूगल में, इंटरनेट में, फेसबुक में इनके बीच में बातचीत चल रही थी, तो गूगल बोला देखो मेरा जलवा, लाखों लोग मेरे को सर्च करते हैं। फेसबुक बोला कि साहब करोड़ों लोग मेरी वॉल पर रोज़ लिखते हैं। व्हाट्सएप बोला अरबों लोग हैं जो मुझे रोज़ यूज़ करते हैं। इंटरनेट बोला आप लोग में से किसी का वजूद नहीं है यदि मैं नहीं हूँ, न गूगल चलेगा, न इंटरनेट चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। चार्जर बोला आवाज़ धीरे रख कर के बात करो। मैं नहीं होऊंगा तो तुम में से एक भी काम नहीं करेगा, न इंटरनेट होगा, न फेसबुक होगा, न कुछ भी नहीं होगा। तो हमारा जो चार्जर है दोस्तों वो प्राण है। जब तक प्राण है तब तक आप पद की बात कर लो, प्रतिष्ठा की बात कर लो, शरीर की बात कर लो, खूबसूरती की बात कर लो, चिंतन की बात कर लो, चार्जर निकल गया। एक बार जो है मौत ने आकर जिंदगी के आगे फुल स्टॉप लगा दिया, तो उसके बाद आप चाहे नोबेल प्राइज विनर रहे हों, चाहे ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हों, प्रख्यात विद्वान रहे हों, दुनिया के कोई भी शख्सियत रहे हों, एक बार भगवान ने आपके प्राण को हटा लिया तो उसके बाद हम इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन जाते हैं। जो कीमत है वो हमारे शरीर की नहीं है, प्राण की है। किसी के अंदर प्राण हो तो हम कहते हैं देखो कितना प्राणवान व्यक्ति है, तपस्वी है, मनस्वी है, विचारवान है, प्रतिभाशाली है। हम कहते हैं देखो इसके अंदर कितना प्राण है। छोटा सा बच्चा अभी प्राणों को भगवान के पास से लेकर के आता है तो प्राण के जखीरे के कारण उसकी ऊर्जा को थामना मुश्किल हो जाता है। 3 साल का बच्चा है, आप जमीन पर रख दो तो एकदम हवाई जहाज की तरह से भागता है, कमरे के अंदर इधर उधर चढ़ जाएगा, सोफे पर चढ़ गया, कुर्सी पर चढ़ गया, रोकना मुश्किल हो जाता है। और वहीं धीरे धीरे जब प्राण चुकने लगता है, शरीर धीरे धीरे मृत्यु की करीब जाने लगता है, तो एक एक कदम उठाना भारी पड़ जाता है। 11-12 साल की उम्र में जिस बिल्डिंग को हम लोग पलक झपकते नाप लिया करते थे, उसकी एक एक सीढ़ी एवरेस्ट पर चढ़ने के समान लगती है। प्राण हमारे शरीर की असली संपत्ति है, असली समृद्धि, असली संपदा है। और इस सृष्टि में प्राणों को पहुँचाने की भगवान की एक व्यवस्था है जिसका नाम है भगवान सूर्य। भगवान सूर्य जो है यदि प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा लेकर के नहीं आए, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, अन्न नहीं उपजेगा, नदियाँ जो हैं बहेंगी नहीं, बादल बनेंगे नहीं, बरसात होगी नहीं, बेसिकली इस सृष्टि का कोई काम भगवान सूर्य के बगैर नहीं होगा। सूर्य है तो पूरा का पूरा अस्तित्व है। और इन्हीं भगवान सूर्य का, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं भगवान सूर्य के दो रूप, एक तो स्थूल रूप है और एक सूक्ष्म रूप है। स्थूल रूप से हम लोगों के पास प्रकाश आता है,
और प्रकाश जो आता है वो हमारे जीवन को वायुमंडल देकर के जाता है, ऊर्जा ऊष्मा देकर के जाता है। स्थूल सूर्य का जो माध्यम है वो है प्रकाश, और सूक्ष्म सूर्य का जो माध्यम है वो है प्राण। स्थूल सूर्य को धरती तक लाने का माध्यम प्रकाश की किरणें बनती हैं, और सूक्ष्म सूर्य के प्राण को लाने का माध्यम गायत्री मंत्र के शब्द बनते हैं। हमारी अंतरात्मा में सूक्ष्म सूर्य के पास से जो प्राण लेकर के आ रही है शक्ति, वो गायत्री मंत्र की शक्ति है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक। आप यदि वेदों के अंदर गायत्री मंत्र की व्याख्या को पढ़ें तो शतपथ ब्राह्मण में ऋषि कहते हैं गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री, जो प्राणों की रक्षा करती है वो गायत्री कहलाती है। क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि प्राणों का एक एक जो कण है वो गायत्री मंत्र के एक एक शब्द से निकल करके आया है। पुराण को पढ़ेंगे तो पुराण कहते हैं गातारम त्रायते यस्मात गायत्री तेन गीते, जिसको गाने से त्राण हो, जिसको गाने से हमारी रक्षा हो, वो गायत्री कहलाती है। तंत्र को पढ़ेंगे तो तंत्र में गायत्री मंत्र के लिए कहा गया है तारक मंत्र, जो भव सागर से पार कराए वो गायत्री का मंत्र है। तो कहने की बात एक ही है दोस्तों कि हमारे जीवन में प्राणों को लाने का माध्यम गायत्री है। प्राण एक ही है स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, कहीं पर तेज, कहीं पर ओज, कहीं पर वर्चस्व बन जाता है। जैसे पानी एक ही है, बह रहा है तो पानी है, जम जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, उड़ने लगेगा तो भाप बन जाएगा, वैसे ही अलग अलग तल पर, अलग अलग शरीर के स्तरों पर वही गायत्री मंत्र द्वारा प्रदत्त प्राण हमारे लिए तेज ओज वर्चस्व बन जाता है। तो आज के इस पावन पर्व पर जब गुरु पूर्णिमा की पूर्व वेला में हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं तो एक बार माँ गायत्री को याद करें और इस भाव के साथ याद करें कि हमारे शरीर का जो मूलाधार है प्राण है, वो हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहित हो, उसका प्रवाह अविरल बना रहे, उसको सदा पुष्टि संरक्षण त्राण मिलता रहे। इस भावना के साथ माँ गायत्री का आवाहन, उनको निमंत्रण, गुरुदेव को, माता जी को, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद अनुग्रह हम पर निरंतर बना रहे, इस भावना के साथ उनको भी आमंत्रण और निमंत्रण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस पावन अवसर पर, कल गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज हम लोग यहाँ शांति कुंज के पवित्र प्रांगण में इस वार्तालाप को कर रहे हैं। आज के शुभ अवसर पर हम लोगों के मध्य उपस्थित शांति कुंज के सभी आदरणीय वरिष्ठ कार्यकर्तागण, मामा जी लोग, यहाँ पर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से आए हम लोगों के अपने कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मित्रों, रामायण की, भगवान राम के अवतरण की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। त्रेता का युग चल रहा था और असुरता, अन्याय, उसके प्रतीक के रूप में, लंका के शासक के रूप में रावण स्थापित हो चुका था। हम लोग हिंदी में कहते हैं जैसा शासक वैसी प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा की सोच हो जाती है। भगवान राम राजा थे तो प्रजा जो थी धर्मपरायण हो गई थी, न्याय का पालन करने लगी थी, सदाचार का पालन करने लगी थी, सभी के सभी संस्कृति निष्ठ हो गए थे। विक्रमादित्य राजा थे तो एक से एक बढ़कर के विद्वानों ने जन्म लिया। अशोक राजा थे तो एक से एक बढ़कर के शूरवीरों ने जन्म लिया। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है, जैसा राजा का चिंतन होता है वैसी प्रजा की सोच हो जाती है। तो रावण राजा था, उसका प्रभाव जनजीवन पर, सामान्य सोच पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता था। जो सामान्य व्यक्ति थे उनके चिंतन में भी अनीति, अत्याचार, अनुचित, अवांछनीयता, जो गलत है, अमर्यादित, ये सारी की सारी बातें जो सही नहीं हैं वो उनके चिंतन का, उनके दृष्टिकोण का हिस्सा बन गई थी। और ऐसे में आवश्यक हो गया था कि जो अंधकारमय वातावरण है इससे लोगों को मुक्ति दिलाई जाए। वो जो ऋषियों की, मुनियों की, अवतारों की प्रणीत परंपरा है, जिसको हम भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय परंपरा के नाम से पुकारते हैं, सा प्रथमा संस्कृति ऋषिवारा कह करके पुकारते हैं, उसकी पुनर्स्थापना, पुनर्जीवन हो, उसका पुनर्प्राकट्य हो। और ये जिम्मेवारी
भगवान विष्णु ने अपने हाथ में ली। उनने कहा कि मैं अपने सहयोगियों के साथ अवतार के रूप में धरती पर आऊँगा, और भगवान राम भगवान लक्ष्मण धरती पर आए। वो जो अवतार लीला थी भगवान राम की, उस अवतार लीला का एक महत्वपूर्ण चरण हम लोगों को राम और रावण के युद्ध के रूप में देखने को मिला, और उस युद्ध में एक निर्णायक क्षण आया था। निर्णायक क्षण वो क्षण था जब मेघनाद ने अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग भगवान लक्ष्मण के ऊपर किया, और भगवान लक्ष्मण जो है बेहोश होकर मूर्छित होकर के गिर पड़े। वो क्षण था कि जिसमें युद्ध की दिशा इधर भी जा सकती थी उधर भी जा सकती थी, और उस क्षण में हनुमान जी सुषेण वैद्य को लंका से उठा करके लाए। सुषेण वैद्य ने चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद बोले कि साहब लक्ष्मण जी की जो मूर्छा है उसको तोड़ा जा सकता है, पर एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अभी जाए हिमालय में गंधमादन पर्वत है, वहाँ पर संजीवनी बूटी उगी हुई है, उसको उखाड़ करके ले आए। प्रश्न था कि इतनी रात में कौन लंका से हिमालय जाएगा, कौन? आज की तारीख में भी आप यात्रा करना चाहो तो लंका से दिल्ली आने में जो है 3 घंटे लग जाते हैं हवाई जहाज से, वहाँ से आप देहरादून की फ्लाइट लोगे तो फिर 1 घंटा लगेगा, उसके बाद देहरादून से गोविंद घाट जाओगे तो 1 दिन की पूरी गाड़ी की यात्रा करनी पड़ेगी, फिर वहाँ से 2 दिन ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो यदि आज की तारीख में फूलों की घाटी पहुँचना है तो हमको 3.5 दिन लग जाते हैं, तो रातों रात में लंका से हिमालय जाएगा कौन, और वहाँ से संजीवनी बूटी उखाड़ करके लाएगा कौन? और ऐसे समय में संकट मोचक के रूप में हनुमान जी निकल करके आए और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर हिमालय गए, पूरा का पूरा पर्वत ही उखाड़ करके ले आए। वो कहानी तो आप सबको पता है दोस्तों, और वो कहानी मैं इसलिए बोला क्योंकि कहने को तो ये घटना युगों पुरानी है, पर आज की परिस्थितियों में पूरी तरह से प्रासंगिक, समीचीन और सर्वथा सत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। यदि हम लोग एक बार को इन परिस्थितियों से हटकर साक्षी भाव से आज की परिस्थितियों को देखें तो ये जानने में हमें जरा सा भी संकोच नहीं होगा कि एक तरफ पुण्य है एक तरफ पाप, एक तरफ शुभ है एक तरफ अशुभ, एक तरफ प्रकाश है एक तरफ अंधकार है, एक तरफ देवत्व है एक तरफ असुरता का बोलबाला है, और असुरता के बोलबाले के कारण हर व्यक्ति की सोच वैसी ही हो गई। छोटा सोच, छोटा चिंतन, छोटा उद्देश्य, ये मानव की परिभाषा बन गए। स्वार्थ है, संकीर्णता है, मैं और मेरा, इसका बोलबाला है, और आदर्शों का दम घुटता सा नजर आता है। पैसा बढ़ जाए, वैभव हमें मिल जाए, हमारी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएं, इस तरह के आंधी में आदमी सद्विचारों की, सद्भावनाओं की, सत्कार्यों की, सदाचार की अर्थी निकालने को तैयार है। किसी को फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। यदि आदमी को लगता है कि मेरी इच्छाएँ पूरी होती हों, मेरी कामनाएं पूरी होती हों, तो प्रकृति एक तरफ को चली जाए, राष्ट्र संस्कृति दूसरी तरफ को चली जाए, परमात्मा कहीं और को चला जाए, मानवता, आत्मीयता, अपनत्व, धर्म, न्याय, नीति, सदाचार, इनको आदमी भुला देने को तैयार है, उसको इनका कोई वजूद दिखाई नहीं पड़ता। और इन सब का जो दुष्परिणाम है वो हम लोगों की आँखों के सामने है। हर घर लंका में बदलता जा रहा है और हर चौराहे पर महाभारत घटती दिखाई पड़ जाती है। पहले के समय में आपको रावण से मिलना था तो लंका की यात्रा करनी होती थी। आज की तारीख में रावण से मिलने के लिए आप एक गली से दूसरी गली में चले जाइए और कई सारे रावण बिना पूछे ही अपना परिचय आपको दे करके चले जाएंगे। पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने बात करने के तरीके से, अपने कहने के तरीके से, अपने सोचने के तरीके से, अपने दिखने के तरीके से 1000 बार आपको याद दिला जाएंगे कि रावण गया नहीं है, यहीं पर मौजूद है। वो जो रावण है दोस्तों, कम से कम उस जमाने का रावण जो त्रेता का रावण था, वो शिव भक्त था, वेदों का भाष्य करने वाला था, ऋषि का पुत्र था, गंभीर विद्वान था, उत्कट तपस्वी था, और सीता जी का अपहरण करने के बावजूद उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको हाथ नहीं लगाया था। मैं रावण की तारीफ नहीं कर रहा, पर आपको अंतर बता रहा हूँ कि त्रेता के युग का रावण तो ऐसा था, और आज के युग के जो रावण हैं उनसे आप कहो कि साहब तपस्या करनी है तो उनको लगेगा कि किसी टीवी सीरियल की एक्ट्रेस की बात हो रही है, नाम ही नहीं सुना तपस्या क्या है। उनसे आप कहो कि चारों वेदों के भाष्य की बात है तो चारों वेदों का नाम बताने में 4 युग लग जाएंगे, और पराई स्त्री को छूना तो बहुत दूर की बात है, इनके हाथों से तो घर की बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं। ये जो परिस्थितियाँ हो गई हैं दोस्तों, इन परिस्थितियों में स्वाभाविक था कि इन विषम परिस्थितियों को कोई बर्दाश्त नहीं करता। भगवान क्यों बर्दाश्त करेंगे, ऋषि मुनि अवतार क्यों बर्दाश्त करेंगे? तो ऐसे समय में अवतार के रूप में
प्रज्ञावतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव को इस कार्य का शमन करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। ये जो देवासुर संग्राम चल रहा है, इस युद्ध के सेनापति का दायित्व उनको मिला है, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। और मैं तो खैर बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ दोस्तों, जो लोग इस सृष्टि के गंभीर प्रकरणों को जानते हैं, अंतरिक्ष के प्रांगण में किस तरह के घटनाक्रम करवटें बदल रहे हैं, आज से 10 वर्ष बाद की, 50 वर्ष बाद की, 100 वर्ष बाद की, 1000 वर्ष बाद की दुनिया कैसी होगी, जिनकी आंखों के सामने स्पष्ट है, उनको ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कि ये जो विश्व की परिस्थितियां बदल रही हैं, बदलती जाएंगी, वो सारी की सारी गुरुदेव के इर्द गिर्द घूम रही हैं। उनके अलावा और कोई सृष्टि का नियंता भी है नहीं। दुर्भाग्य की बात एक ही है दोस्तों, जहाँ पर हमारे गुरु, हमारे श्री राम, आज के युग के भगवान श्री राम हैं, तो वहाँ पर हम गायत्री परिजन उनके लक्ष्मण के रूप में तो हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज की परिस्थितियों में जब ये देवासुर संग्राम अपने चरम पर है, जहाँ पर हमें अपने श्री राम के साथ लक्ष्मण की तरह सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए था, वहाँ पर हम लोग अपने महान महान उत्तरदायित्वों को भूल कर न जाने किस बेहोशी की अवस्था में चले गए। अपने अपने महान उत्तरदायित्वों को भूलकर न जाने क्यों जीवन के छोटे छोटे उद्देश्यों में, छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने जीवन की राहों को टटोलने में लगे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति गायत्री परिवार के अंदर नहीं है जिसका जन्म परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए न दिलाया हो क्योंकि उसे एक महान योजना का सहभागी बनना था, एक दिव्य योजना का अंग बनना था। भगवान राम के सहयोगी के रूप में हम खड़े हो जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। वहाँ पर भगवान महाकाल का, जहाँ पर भगवान हनुमान का नाम लिया जाता है, वहाँ पर हमारा नाम लिया जाए, इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ हो सकता है। जहाँ पर अर्जुन का नाम लिया जाता है, वहाँ पर हमारा नाम लिया जाए, इससे बढ़ करके सौभाग्य क्या हो सकता है। और इन सौभाग्य के क्षणों में हम लोग ये भूल करके कि हमें क्या जिम्मेवारी दी गई थी, हमें क्या उत्तरदायित्व दिए गए थे, यदि हम लोग छोटी छोटी बातों में अपने जीवन के उद्देश्य को तलाशें कि हमें क्या मिल गया, तो फिर इससे बढ़कर के दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हमारा बेटा विदेश चला गया, हमारी बेटी की शादी हो गई, इस काम के लिए हम गायत्री परिवार का हिस्सा बने, इस काम के लिए गुरुदेव ने हमें दिव्य योजना का सहभागी बनाया था। अरे जिंदगी भर हमें जूते पड़े, जिंदगी भर हमारे मुंह पे कालिख लगे, जिंदगी भर लोग हमें गालियां दें, जिंदगी भर हमें कष्ट मिले, कठिनाई मिले, जिंदगी भर हमें तकलीफ उठानी पड़े, जिंदगी भर हमें भोग मिले, पर उसके बावजूद यदि गुरुदेव का काम होता हो तो जिंदगी सौभाग्य से बढ़कर के कुछ नहीं। और यदि हम लोगों को मंच मिल जाए, हम लोगों को प्रतिष्ठा मिल जाए, हम लोगों को सम्मान मिल जाए, हम लोगों को मान मिल जाए, और बदले में गुरुदेव का काम पीछे हट जाए, तो दोस्तों जिंदगी धिक्कार के सिवाय कुछ नहीं, जिंदगी ट्रेजेडी के सिवाय कुछ नहीं। गायत्री परिवार का उद्देश्य व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की, व्यक्तिगत स्वार्थों की, व्यक्तिगत अहंकार की पूर्ति करना नहीं है। गायत्री परिवार का उद्देश्य देवीय योजना को पूरा करना है। और दोस्तों आज के गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जो प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं कहूँगा हर व्यक्ति इस प्रश्न को अपने साथ लेकर के अपने घर को जाए कि आज हम लोग गुरु प्रदत्त पथ को भूल कर किस मूर्छा की अवस्था में चले गए। इस मूर्छा से हम लोगों को जगाने के लिए, जग को जगाने के लिए और जुग को जगाने के लिए फिर से महाबली हनुमान की आवश्यकता है, जो याद दिला सके कि प्रतिकूल परिस्थितियों में किस तरह के प्रबल पराक्रम की आवश्यकता होती है, याद दिला सकें उन हजारों हजार प्रज्ञापुत्रों को, उन युग शिल्पियों को, उन सृजन सैनिकों को कि उनका जन्म किस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों जो गायत्री परिवार में आया हो और गुरुदेव से बिना पूछे आ गया हो। मैं आपको बताऊं, एक नहीं हजारों संस्मरण मैं आपको सुना सकता हूं जहां पर ऐसे ऐसे व्यक्ति गायत्री परिवार के भीतर मौजूद हैं जिनके जीवन की एक एक योजना, एक एक ताना बाना गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से बुना है। एक घटनाक्रम मैं पहले भी सुना चुका हूं कि एक सज्जन थे, और उन दिनों की घटना है जब परम पूज्य गुरुदेव गायत्री तपोभूमि में अखंड ज्योति संस्थान में रहा करते थे। तो वो जो है उनके यहाँ वर्षों से बालक नहीं हुआ था, बालक नहीं हुआ था तो पहले के समय में जैसा लोगों के मन में भाव था, लोग कई जगहों पर कई संतों के यहाँ, सिद्धों के यहाँ प्रणाम करने के लिए लोगों को भेजते थे। तो गए कई जगह, आशीर्वाद मांगा, नहीं हुआ पुत्र, 27 वर्ष निकल गए थे। उनके एक मित्र थे, उनने बताया कि साहब गुरुदेव हैं वहाँ पर अखंड ज्योति संस्थान में। उन्होंने कहा ठीक है आप जा रहे हो तो मेरी ओर से प्रणाम करके आना। गए, उनने प्रणाम किया, गुरुदेव ने कहा कि बेटा चिंता की बात नहीं है, मैं एक पुत्र तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा। उनके यहाँ बालक हो गया। अब चूंकि कई जगह पे प्रणाम करते थे तो उनको कभी ये भान ही नहीं हुआ कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ। तो आग बात आई गई हो गई, 7-8 वर्ष का बालक हो गया और वो निकले एक बार वृंदावन की यात्रा को, मथुरा को भी आए।
मथुरा को जब पहुँचे तो उनने देखा अखंड ज्योति संस्थान से गुजर रहे थे, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, गुरुदेव का नाम लिखा हुआ था, तो एकदम मन में भाव आया कि अरे एक बार तो मैंने किसी को प्रणाम करने को बोला था। गए वहाँ पर, गुरुदेव लिख रहे थे और अभी उनने गुरुदेव को कुछ बताया नहीं कि कहाँ से आए कौन आए, प्रणाम करने के लिए झुके। जैसे ही झुके गुरुदेव ने उस बालक को देखा और देखते ही बोले अरे आत्मा तो मेरी भेजी हुई। आप कल्पना करके देखो कि जिस व्यक्ति का कोई रोल कोई भूमिका तब तक गायत्री परिवार में नहीं थी वो आत्मा गुरुदेव की भेजी हुई थी। तो जो लोग शांति कुंज के अंदर आकर के अनुष्ठान कर रहे हैं, जिनकी पीढ़ियाँ इस गायत्री परिवार को बनाने में इसको आगे बढ़ाने में लग गईं, उनमें से कोई आत्मा बिना गुरुदेव की भेजी हुई कैसे हो सकती है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दी हुई योजना को लेकर के आया है। लगता जरूर है कि शब्द बोले जा रहे हैं पर ये शब्द है नहीं दोस्तों। आदमी भ्रांति में भूल जाए, जब अर्जुन भूल गया कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या था, उसको पूरी गीता समाप्त हो जाने के बाद याद आया, स्मृतिर्लब्धा मोह नष्टो 18वें अध्याय में जाकर के बोलता है कि अब याद आया कि आप क्या कहना चाहते थे। जब भगवान को स्वयं पूरी गीता कहनी पड़ी और अर्जुन जिसने नर और नारायण के रूप में साथ साथ रहकर के बद्रिकाश्रम में तपस्या करी थी वो भूल गया कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या था, तो हम भूल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर यह समय याद करने का है, याद करने का है कि आप में से प्रत्येक आत्मा अपने साथ एक दिव्य उद्देश्य को लेकर के आई। कोई व्यक्ति नहीं, लखनऊ के अपने एक कार्यकर्ता थे, उनके जीवन की घटना मुझे याद आती है। 9 पुत्रियाँ हो गईं, नास्तिक हो गए थे। पहले के समय में लोगों में भाव था अब तो पुत्रियाँ पुत्रों से बढ़ करके हैं, पर उस समय में लोगों के मन में भाव था कि साहब हमारे यहाँ पुत्र हो जाए। तो बहुत जगह पर उनने प्रणाम किया और मन में एक अजीब से उनके अंदर नास्तिक भाव आ गया कि साहब कोई भगवान नहीं है, कोई सुनता नहीं है। उनको लेकर के लोग गुरुदेव के पास मिलने के लिए पहुँचे, हजारों लोग खड़े थे, पीछे की तरफ जाकर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा किसी को बताऊंगा नहीं कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। लाइन चल रही थी, जैसे ही गुरुदेव के सामने आकर के खड़े हुए, गुरुदेव बोले बेटा 9 के बाद 1 की 9 के बाद 2। अब वो घबराए, उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं गुरुदेव। बोले 9 लड़कियों के बाद 1 लड़का लेगा कि 2 लेगा। अब वो एकदम घबराए चौंके, बोले मुँह से उनके निकला 2 लूँगा। बोले यदि समाज सेवा के लिए लगाएगा तो तू 2 ले जा। बोले 2 ले जाऊँगा। और उनके 2 पुत्र हुए, समाज सेवा में लगाए। बहुत लखनऊ के अपने आदरणीय मामा जी लोग जानते हैं, यहाँ बैठे, एक बड़े अच्छे भारत के प्रतिष्ठित नागरिक भी बने। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई सत्ता गायत्री परिवार के अंदर नहीं है जिसके जीवन में कहीं ना कहीं गुरुदेव ने अपने हस्ताक्षर न किए। आदरणीय दुबे मामा जी यहाँ पर बैठे हैं और मैं उनका पुत्र हम लोगों के सबके नज़दीक में था, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, एकदम दिल का प्यारा। ऐसा कोई शांति कुंज का बच्चा नहीं होगा जिसने उसको प्यार न किया हो और उसने जिनको नहीं किया, इतना प्यारा बालक छोटा था। तो उसको क्या है कि ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस इम्परफेक्टा एक बीमारी होती है मेडिकल में, ज़रा सा छुओ तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो ज़रा सा दबाव पड़ता था फ्रैक्चर हो जाता है। मामा जी ने कहा मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊँगा, पहली बस पकड़ करके शांति कुंज आ गए। शांति कुंज में आकर के सीधे गुरुदेव से मिलने के लिए गए, गुरुदेव लिख रहे थे, गुरुदेव गोद में रख दिया। गुरुदेव बार बार फ्रैक्चर हो जाता है, आटे की लोई बेलते हैं ना, ऐसे गुरुदेव ने बेला फटाफट गोद में। कहाँ है फ्रैक्चर, दिखा दिखा कहाँ है फ्रैक्चर। बस एक बार का फ्रैक्चर, वह जिंदगी भर का फ्रैक्चर चला गया। ये जो घटनाक्रम है दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ये जो घटनाएं हैं ये घरों घरों की घटनाएं हैं, मोहल्ले मोहल्ले की घटनाएं हैं, उन घरों की घटनाएं हैं जहां पर देव स्थापना के चित्र टंगे हैं, और उन घरों की घटनाएं हैं जहां वर्षों से गायत्री मंत्र नहीं गूंजा है, वहां पर भी आपको गुरुदेव का आशीष साक्षात रूप से नृत्य करता हुआ दिख जाएगा। लंदन की मैं आपको घटना बताता हूँ। लंदन में था, मेरा एक मित्र है और वो जो ब्रिटिश इंडियन होते हैं वहीं पर रहा है, इंडियन पर पला बड़ा वहीं पर है। उसकी जानने वाली एक महिला थी, तो उस जमाने में भारत में थी जब भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ करता था, तो वो यहाँ पर थी। उसके बाद फिर जब आज़ादी मिली तो चली गई, अंग्रेज महिला थी, और उनने यहाँ पर गायत्री मंत्र सुना था। तो क्या हुआ कि मन में धीरे धीरे बोला करती थी, कहीं पर गायत्री मंत्र उनके हृदय में था। अब वापस वहाँ पर पहुँची तो वर्षों तक गायत्री मंत्र नहीं सुना, अंग्रेजों के बीच में रहती थी। अंतिम समय आ गया, 93 ईयर्स की थी, तो बोले कि उनने उससे कहा कि यदि तुम किसी को जानते हो जो गायत्री मंत्र आकर के बोल दे तो एक बार आकर के बोल दे, मैं मरने से पहले सुनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ बोलने के लिए। तो मैं गया गायत्री मंत्र बोलने के लिए, गुरुदेव की आवाज़ का कैसेट भी ले गया था कि आप उसको निरंतर चलाओ, वहाँ पर चलता रहेगा। तो मैं गायत्री मंत्र बोलने लगा तो एक काली महिला खड़ी थी, अफ्रीका से आई हुई नर्स थी, कैम्ब्रिज की घटना है, तो वो खड़ी थी वहाँ। इधर मैं गायत्री मंत्र बोलना शुरू करा, उसने भी बोलना शुरू करा। मैंने कहा कि आपने कहाँ से सीखा गायत्री मंत्र, तो फोटो दिखाया उसने।
फोटो दिखाया, बोले मैं अफ्रीका से हूँ, गुरुदेव हमारे कबीले में आज से 40 साल पहले आए थे, तो हमारे कबीले वालों को गायत्री मंत्र देके गए। आप कल्पना करके देखो कि गुरुदेव कहाँ नहीं। मैं तो कहता हूँ कि हम मंगल ग्रह चले जाएं और वहाँ पर भी यदि जीवन मिलेगा तो वो भी गुरुदेव का लगाया हुआ जीवन मिलेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई लोक नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जहाँ पर गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद हमें साक्षात अपनी आँखों के सामने दिखाई न पड़ता। और दोस्तों, सारी जगह पर जो बीज गुरुदेव के लगाए हुए हैं, आज प्रज्ञावतार का आवाहन एक ही है कि वो बीज जागें, अपने को पहचानें। ये समय उनको याद दिलाने का है कि जिंदगी भर हम बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे करते रहेंगे या गुरु के ऋण से मुक्त भी होंगे। काम करने के लिए किसी योजना का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, कार्यक्रम का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव के लिए भावना यदि हमारे दिल में है तो कंधे पर यदि हम झोला टांग करके निकल पड़ते हैं तो इतना परिचय पत्र पर्याप्त। अवतारों को आधार कार्ड की आवश्यकता थोड़ी होती है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में किसी अवतार से कम नहीं है, और यदि आप लोग गुरुदेव के प्रति भावना को लेकर के निकल पड़ते हैं तो इस विश्व को बदलते देर नहीं लगने वाली है। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि दोस्तों, इस समय में जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम में से हर कोई अपने अस्तित्व के लिए गुरुदेव का ऋणी, आज जो हमें रूप मिला, आकार मिला, मान मिला, सम्मान मिला, पहचान मिली, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के कारण है। हम लोग छोटे से स्कूल में पढ़े हुए हैं, 12वीं तक मैं अपना नाम अंग्रेजी में नहीं बोल सकता था, और गुरुदेव ने इंपीरियल का कंसल्टेंट बना दिया, तो उसमें मेरी योग्यता क्या है? जीरो का योग्यता है। मेरी तो योग्यता बिल्कुल इतनी भी नहीं थी कि मैं अपना नाम भी अंग्रेजी में बोल सकूं। और उस जगह पर ले जा करके गुरुदेव ने कंसल्टेंट बना करके बिठा दिया जहां पर लोकल व्यक्ति भी प्रवेश पाने के लिए तरसते हैं, तो उसमें योग्यता किसकी है? आशीर्वाद किसका है? गुरुदेव का है। हमारे को जीवन में जो भी कुछ मिला वो गुरुदेव के कारण मिल सका, और ये समय उस ऋण से मुक्त होने का है। हम में से हरेक के जीवन में जो अच्छा है दोस्तों, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट दिखाई पड़ता है, बेहतर दिखाई पड़ता है, उसमें हमारी योग्यता नहीं। ये धोखा कभी हम लोगों को नहीं होना चाहिए कि हमारी योग्यता, हमारी योग्यता कुछ है ही नहीं। हमारी योग्यता मात्र इतनी है कि हमें गुरुदेव के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिल सका, और हम लोग यदि उस ऋण से मुक्त हो पाते हैं, प्रज्ञावतार की आवाज़ को सुन पाते हैं, महाकाल की आवाज़ को सुन पाते हैं, हृदय से इस भाव को लेकर के जाते हैं कि गुरुदेव के साथ कुछ करने का अवसर मिला, तो इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं हो सकता। हमसे पहले वाली पीढ़ी जो आज मंच पर यहाँ पर उपस्थित है, उन लोगों को ये सौभाग्य था कि उनने गुरुदेव के साथ लग करके शक्तिपीठों का, प्रज्ञापीठों का, चरण पीठों का, बड़े बड़े केंद्रों का, प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण किया, और उस बड़े से अनुदान के लिए हजारों वर्षों तक धरती उनकी ऋणी रहने वाली है। अब हम लोगों की पीढ़ी की जिम्मेवारी है दोस्तों कि इमारतें वो बना करके गए हैं, इंसान हम लोग बनाएं, हम लोग नई पीढ़ी का निर्माण करके दिखाएं। इस गायत्री परिवार को जिस तरह की नई पीढ़ी की आवश्यकता है वो तैयार करके अच्छे व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति, सार्थक व्यक्ति, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति, साधनात्मक चिंतन वाले व्यक्ति, प्राणवान व्यक्ति तैयार करके देने की जिम्मेवारी हमारी है, उस ऋण से मुक्त होने की जिम्मेवारी हमारी है। तो आज के इस आवाहन पर जब प्रज्ञावतार भगवान महाकाल हम लोगों को पुकार रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या चिंतन लेकर के जाएं? मैं कहूँगा कि दो तीन चीज़ें हैं जो लेकर के जाएं। पहली चीज़ तो जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बिल्कुल आवश्यक और ज़रूरी हो जाती है, उसका नाम है श्रद्धा। आदमी के जीवन में जो चीज़ सबसे पहले कपकपाती है उसका नाम है श्रद्धा। एक ऐसा शब्द है जो हम लोग सुनते तो कई बार हैं, और चूँकि कई बार कहते हैं तो उसके मूल्य को भूल जाते हैं, पर शायद सबसे ज़्यादा कीमती गुरु और शिष्य संबंध के बीच का कोई माध्यम है, सेतु है, पुल है, ब्रिज है, तो श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा उसके प्रति होती है जिसको आप देख नहीं सकते। अविज्ञात के प्रति यदि विश्वास है, जिसको आपने जाना नहीं, देखा नहीं, उसके प्रति विश्वास है, तो आपके मन में श्रद्धा है। भगवान दिखाई थोड़ी पड़ते हैं, प्रति उनके प्रति विश्वास है तो श्रद्धा है। गुरुदेव दिखाई नहीं पड़ते, प्रति आपके मन में विश्वास है कि वो निरंतर आपके साथ हैं, तो श्रद्धा है। ध्रुव को तपस्या करने के बाद भगवान के दर्शन हुए, पर तपस्या के दिनों में जो संबल उनके साथ था वो तो श्रद्धा ही थी ना। प्रहलाद को खंभा फाड़ करके भगवान बाद में निकल करके आए, पर खंभा फाड़ के निकलने तक जो चीज़ उनके अंदर उस विश्वास को मजबूत बना करके रखी हुई थी कि भगवान हर क्षण उनके साथ हैं, वो श्रद्धा ही थी।
गुरुदेव को यदि आप पढ़ें हमारी वसीयत और विरासत में, तो एक बार की मुलाकात है, आप एक बार ध्यान से पढ़ना, इस बात को मुझे बहुत अच्छी लगती है। गुरुदेव ने कहा एक बार की मुलाकात थी, एक बार जब दीपक के सामने उनकी गुरुसत्ता उनके सामने आई और उनको 3 संदेश दे करके गई, और उसके बाद 24 वर्षों तक कोई मुलाकात नहीं। फिर सीधे बहुत बाद में महापुरुष चरण करने के बाद गुरुदेव के साथ मुलाकात होगी। इस अवधि में जो सेतु था, एक बार भी गुरुदेव के मन में आ सकता था कि मैं अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा करके बैठा हूँ, पुरुष चरण करने में लगा हूँ, इसका उद्देश्य क्या है? उस समय में जो संबल था वो श्रद्धा थी। श्रद्धा अविज्ञात के प्रति होती है दोस्तों। यदि जिसको हमने जाना नहीं है, देखा नहीं है, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं, युग निर्माण होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते, पर गुरुदेव कह करके गए हैं तो हमारे मन में इसके प्रति दृढ़ विश्वास है, इसका नाम श्रद्धा है। और यदि एक बार गलत चीज़ पर भी विश्वास आ जाए तो श्रद्धा हो जाती है, तो अच्छी चीज़ पर विश्वास आए तो आदमी का जीवन कहाँ से कहाँ उड़ जाता है। आप सोचो, गलत जगह पर विश्वास आ जाए तो आदमी के मन में एक भाव आ जाता है। एक कहानी है, मैं पहले भी सुना चुका हूँ, कि एक व्यक्ति था, मिट्टी की मूर्ति खरीद करके लाया, उसे लगा कि साहब पैसा हो घर में, तो गणेश जी की मूर्ति लेकर के आया, बोला रोज़ पूजा करा करूँगा, आरती करता, उनको अगरबत्ती जलाता, निकल गए। 2-3 वर्ष हो गए, गणेश जी खुश नहीं हुए उसके ऊपर, नहीं मिला पैसा। अब उसको बड़ा दुख हुआ, उसने कहा साहब गणेश जी की इतनी पूजा करी और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब मैं लक्ष्मी जी को लेकर के आता हूँ, 2nd नंबर लिस्ट में लक्ष्मी जी का है। बोले लक्ष्मी जी को लेकर आता हूँ। लक्ष्मी जी की मूर्ति लाया, मिट्टी की मूर्ति रख दी, पूजा करनी शुरू करी, अगरबत्ती जलाई, धुआं होने लगा। उसने कहा कि साहब ये धुआँ जो है ये गणेश जी को नहीं मिलना चाहिए, इनने मेरा कोई लाभ नहीं किया था। मैंने 2 फूल लिए और गणेश जी की नाक में लगा दी। बोले आपको धुआँ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो लक्ष्मी जी को मिलेगा, सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। और वो जो मूर्ति थी मिट्टी की, वो खिलखिला के हंसने लगी और बड़ा घबराया। उसने कहा कि साहब ये गणेश जी इतने दिन तक तो थे नहीं, आज कहाँ से आ गए? और उसने एकदम उनसे पूछा, बोले साहब मैं इतने दिन तक आपकी पूजा कर रहा था, तब तक आप एक बार नहीं आए, और आज जब मैं आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ तो आ गए? गणेश जी बोले बेटा आज तूने पहली बार ये सोच करके पूजा करी है कि यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति नहीं, भगवान बैठे। बोले यदि तेरे अंदर इतना झूठा ही विश्वास आ गया, ये झूठा ही विश्वास आ गया कि भगवान यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे आना पड़ा। दोस्तों, जब झूठा विश्वास आदमी के अंदर श्रद्धा को जन्म दे देता है, सच्चा विश्वास आ जाए तो कितनी ताकत देगा। यदि हमें ये लगना लगे कि वहाँ पर प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा नहीं है, गुरुदेव माता जी साक्षात बैठे, यहाँ पर चित्र नहीं लगाए, गुरुदेव माता जी साक्षात बैठे हैं, तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको गुरुदेव माता जी के रोज दर्शन नहीं होते हो। आपको रोज होंगे, ये प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि गुरुदेव शरीर से हमारे बीच में है कि नहीं, वो यहीं है, गए थोड़े ही हैं, वो यहीं पर है। सिर्फ हमारे अंदर इस भरोसे की आवश्यकता है कि वो हम लोगों के मध्य में उपस्थित। श्रद्धा का पहला चरण दोस्तों जो हमें टटोलने की आवश्यकता है, अविज्ञात के प्रति श्रद्धा, अविज्ञात के प्रति विश्वास। जिसको जाना नहीं है, देखा नहीं है, हमें नहीं पता कि कल होगा कि नहीं होगा, पर गुरुदेव ने यदि अपने साहित्य में लिखा है, गुरुदेव ने अपने जीवन में जिया है, तो वो घट करके रहेगा, इसका नाम है श्रद्धा। ये विश्वास यदि हम लोग लेकर के जाते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा आती है। पहली चीज़ श्रद्धा की है दोस्तों, अविज्ञात के प्रति विश्वास। दूसरा चरण श्रद्धा का है उनके साथ जुड़ने का भाव। अनेकों लोग होते हैं, अनेकों लोग भगवान से प्रभावित होते हैं, अनेकों लोग अवतार के साथ जुड़ते हैं, पर हर कोई साथ में नहीं चलता। आप देखो रामकृष्ण परमहंस के साथ कितने लोग थे, कितने लोग मिलने के लिए आते थे, एक से एक बढ़कर के लोग आते थे, पर साथ चलने वाले 13 ही निकले। वो 13 ही शिष्य थे जो गुरुदेव के साथ चल पाए, रामकृष्ण परमहंस के साथ चल पाए। वैसे ही आदमी जुड़ता तो है, पर जुड़ने के साथ जरूरी नहीं कि उसके अंदर भाव आ जाए कि हम भगवान के साथ चलना चाहते हैं। हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि हम भगवान के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर के चलना चाहते हैं, तो श्रद्धा का दूसरा चरण पूरा होता है। और गुरुदेव हमेशा कहानी सुनाया करते थे कि यदि गलत व्यक्ति के साथ जुड़ जाए तो फायदा होने लग जाता है। वो गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे ब्राह्मण की, कि एक साहूकार के पास पैसे रख करके गए और साहूकार से कहा कि साहब मेरी बेटी की शादी होने वाली है, ये 500 रुपये रख लीजिए आप। साहूकार ने रख लिया, उन्होंने एक विश्वास के आधार पर दे दिया। अब 5 साल बाद लौट करके आए, बोले साहब बेटी की शादी है, 500 रुपये दे दो। साहूकार ने कहा कोई कागज़ साइन किया था? बोले नहीं, कोई कागज़ साइन नहीं किया था, आपको विश्वास के आधार पर दिया था। बोले तो कागज़ साइन नहीं किया तो कोई पैसे नहीं, कोई पैसे ही नहीं। बड़े ब्राह्मण घबराए, बोले कि साहब प्रमाण कोई है नहीं, जाऊँगा कहाँ? गए वो राजा के पास, जो राजा था उस क्षेत्र का, जिसको आप जो भी कह लो, नवाब कह लो, जमींदार कह लो, उनके पास गए, उनसे जा करके शिकायत रखी। राजा ने कहा कि ऐसा है भाई, आप भले आदमी दिखाई पड़ते हो, प्रमाण तो कोई नहीं है, बिना प्रमाण के आपकी हेल्प करनी है? बोले एक तरीका है, कल को जब हमारी सवारी निकलेगी तो आप क्या करना कि सेठ की दुकान के बाहर आकर के खड़े हो जाना,
ने कहा ठीक है। सेठ की दुकान के बाहर जा करके ब्राह्मण खड़े हो गए, साहूकार की सवारी निकली निकली, जैसे ही हाथी वहाँ आया उनने हाथी को अपने महावत को कहा नीचे बैठाओ नीचे बैठाओ, बैठ गए। और ब्राह्मण साहब उनको गले लगा लिया, बोले आप तो मेरे गुरु हैं, आपने मुझे जीवन में बड़ी शिक्षा दीक्षा दी है, आपके कारण मैं आज इतना सब बन पाया। बोले आइए आपको साथ बैठाता हूँ, उन्हें अपने साथ बैठा लिया और वो बैठा करके उनको लेकर के चल दिए। ये देख करके साहूकार की तो हवा खराब होने लग गई, उन्होंने कहा अरे साहब ये तो राजा का एकदम वो निकला, मैं तो इसको धोखा देने चला था, बोले ये तो अब कल को मुझे देश निकाला दे देगा। 100 मीटर जा करके राजा ने हाथी रुकवाया, बोले आप चले जाओ आपका काम हो गया। ब्राह्मण गए, इधर उनने जो है मुनीम को भेजा फटाक से साहूकार ने, उन्होंने कहा ढूंढो ढूंढो कहाँ गए वो, गए लेकर के आए, बोले साहब गलती हो गई, मैंने देखा मेरे पास कागज आपका लिखा हुआ मिल गया। बोले 500 रुपये के ऊपर, बोले आप ये 300 रुपये और रखो, ये जो है आपका इंटरेस्ट लग गया है इतने दिन का। और बोले आपकी बेटी हमारी बेटी है, 300 रुपये और रखो आप। वो 1100 रुपये दे करके बोले ब्राह्मण को विदा किया। तो जब गलत व्यक्ति के साथ जुड़ जाए, सोचो राजा के साथ थोड़ी जोड़ जुड़ने का ब्राह्मण को ये फल मिला, और हम भगवान के साथ चलेंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा। भगवान के साथ हम कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो हमें फल नहीं मिलने वाला है, गुरुदेव के साथ हम कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो फल नहीं मिलने वाला है। 100 मीटर भगवान यही तो कह रहे हैं कि हमारे हाथी पर चढ़ जाओ। 100 मीटर के लिए भगवान चढ़ा भर रहे हैं, गुरुदेव सिर्फ चढ़ा भर रहे हैं कि अरे 100 मीटर उनके हाथी पर चढ़ जाओ। पीछे से साहूकार के आदमी दौड़ते आते होंगे, वो दौड़ते आते होंगे, आपको याद दिलाएंगे कि आपका कर्म कितना था। दूसरा चरण श्रद्धा का ये है दोस्तों कि हम भगवान के साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार हो जाए। तीसरा चरण जो है वो ये है कि हम भगवान के लिए अपना कलेजा काटने को तैयार हो जाए। भक्त जो है, अभी हम लोग गाना सुन रहे थे, अनुदान वरदान नहीं चाहिए हमें, सिर्फ भगवान की पीड़ा का हिस्सा चाहिए। ये दर्द हमारे अंदर आ जाए कि यदि भगवान को चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, मांगने को तैयार नहीं। मांगने को तो भीड़ लगी हुई है, देने को तैयार है। वो लैला मजनू की कहानी आपने सुनी होगी कि मजनू को प्यार हो गया लैला से, अब मारा मारा डोलता था, कपड़े फटे हुए थे, कुर्ता फट गया था। लैला ने कहा भाई ऐसा है शादी तो इससे हो नहीं सकती। उसने जो दुकानदार थे उनको बुलाया, बोले खाना कहाँ खाता है, बोले खाना तो साहब मिलता नहीं, ऐसे भूखा घूमता रहता है। बोले ऐसा करा करो जब इसको भूखा दिखे तो इसको खाना खिला दिया करो, पैसे मैं दे दिया करूँगी। ठीक, मजनू को जब देखते दुकानदार तो बुला लेते और बुला करके ले जलेबी खा लो साहब, समोसे खा जाओ, थोड़े खिला खिला करके और बिल भेज देते थे, लैला पेमेंट कर दिया करती थी। अब एक दिन जो शहर के 2-4 लोग घूम रहे थे, उनने देखा कि अरे इसको तो बड़े खातिरदारी हो रही है, तो पागल जैसा घूमता था। बोले क्यों भाई, तेरे को कहाँ से पैसे मिले, इतना कौन देता है? बोले मुझे कोई नहीं देता साहब, बोले लैला ने जो है उसने मेरे लिए व्यवस्था कर रखी है कि यदि मैं कहीं घूमता देखूं तो मेरे को खिला दिया करे। मजनू बाकी जो गांव के लोग थे उनको लगा तो बड़ा अच्छा तरीका है, उनने भी कपड़े फाड़ लिए, अपने बाल वाल बढ़ा लिए, उनने कहा हम भी जो है ऐसे ही शामिल हो जाते हैं। अगले दिन वो भी पहुँच गए, अगले दिन 3 लोग और पहुँच गए, 10 लोग और पहुँच गए, 250 लोगों की भीड़ हो गई। उस बार का जो बिल पहुँचा वो तो काफ़ी 40,000 लोग आ गए साहब, बहुत सारे मजनू इकट्ठे हो गए। अब लैला ने कहा कि साहब ये बड़ी दिक्कत हो गई। लैला ने कहा कि हमने तो एक के लिए कहा था, ये 250 का बिल कौन भरेगा? उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, इस बार तो हम जैसे तैसे व्यवस्था कर देंगे, पर ये निर्णय होना चाहिए कि सही मजनू कौन सा है। तो उन्होंने अपनी बांदी को भेजा, बोले कि तू जाके देख के आ भाई कि सही मजनू कौन सा है। बांदी ने कहा ठीक है। मजनुओं की भीड़ लगी हुई थी, कटोरा लेकर के पहुँची वो, बोले ऐसा है कि सारे मजनू इधर आ जाएँ। आ गए सारे मजनू। बांदी ने कहा ऐसा है भाई, बड़ी मुश्किल आ गई है। क्या? बोले बड़ी तबीयत खराब है लैला की, एक कटोरे खून की आवश्यकता है। कटोरा खून कौन देगा? अब जितने मजनू थे वो धीरे धीरे करके सटकने लगे, पीछे से एक गायब हो गया, एक दूसरा गायब हो गया, एक ने कहा अभी हम बाथरूम होकर के आते हैं, एक ने कहा अभी मैं थोड़ा फ़ोन आया है, मैं फ़ोन अटेंड करके आ रहा हूँ। सब चले गए, असली मजनू था वहीं का वहीं रह गया। असली मजनू ने कहा पत्थर उठाया, छाती पे एक मारा, बोले ऐसा है मेरे शरीर में 6 कटोरे खून है, तो एक कटोरा तो अभी ले जा और मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ 5 कटोरे के लिए वापस आ जाना, तो आएगी कि नहीं आएगी। बांदी ने ड्रेसिंग कर दी, बोले कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे यही देखना था कि असली मजनू कौन है। और जब असली मजनू पता चल गया तो फिर लैला के साथ शादी भी हो गई। दोस्तों भक्त एक ही होता है, मजनू तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, भक्त एक ही होता है। प्रहलाद एक ही निकल करके आते हैं, एक ही भक्त निकल करके, एक ही मीरा निकल करके आती हैं, एक ही चैतन्य निकल करके आते हैं। और उस समय में भगवान परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही बाल बढ़ा करके आ गए, ऐसे ही जो है कपड़े धारण करके आ गए हैं कि इनके अंदर की भक्ति है कि नहीं। भक्ति जानने के लिए जब आदमी के अंदर अपना दिल काट करके देने का साहस होता है, हनुमान जी की तरह से छाती चीर करके दिखाने का साहस होता है कि भगवान मेरे दिल के अंदर हैं, गुरुदेव मेरे दिल के अंदर हैं, तब हमारी भक्ति की परीक्षा होती है। पहली चीज़ दोस्तों, हम लोग यहाँ से सच्ची श्रद्धा लेकर के जाएं।
सच्ची श्रद्धा का पहला चरण है उसके प्रति विश्वास, जिसको देखा नहीं। दूसरा चरण है भगवान के कदम से कदम मिलाकर के चलने की तैयारी। और तीसरा चरण है भगवान के लिए कुछ भी कर देने की, गुरुदेव के लिए कुछ भी कर देने की हिम्मत। यदि इतना हमारे अंदर आ जाता है, परिस्थितियाँ तो प्रतिकूल होती हैं। परिस्थितियाँ किसके लिए अनुकूल हुई हैं? भगवान के लिए अनुकूल नहीं हुई, भगवान राम के लिए नहीं हुई, गुरुदेव के लिए नहीं हुई, किसी के लिए नहीं हुई। परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, आदमी को मनस्थिति को अनुकूल करना पड़ता है। ताकत हमारे अंदर आ जाती है तो श्रद्धा आ जाती है। दूसरी जो चीज़ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आए हैं और गुरुदेव के जीवन का जो मूल केंद्र रहा वो साधना रही। हम लोग देखें तो गुरुदेव के जीवन का जो मूल आधार है वो निरंतर की तपस्या, निरंतर की साधना। अंत के 5 वर्ष भी गुरुदेव ने अहर्निश साधना में लगाए। और हम लोग गायत्री परिवार का अंश और अंग बने ही इसलिए हैं कि हमारे जीवन में साधना आ सके। जो मनुष्य का जीवन है सौभाग्य भी है और संभावना भी है। इसके अंदर दो, तो ऐसा समझ लीजिए कि एक कमरा है जिसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा तो उस तरफ को खुलता है जिस तरफ से रावण, दुराचंद, एक से एक बढ़कर के बुरे लोग, हिटलर, मुसोलिनी, हिरण्यकश्यप, ऐसे लोग निकल करके आते हैं। एक दरवाज़ा तो बुराई की तरफ खुलता है, पतन, पराभव, पाप, बुराइयाँ सारी की सारी उस दरवाजे से आती हैं। और एक दरवाज़ा भगवान की ओर खुलता है। उधर का दरवाज़ा खुल जाए तो फिर हमारे अंदर के ऋषि को, मुनि को, देवता को, सिद्ध को, महात्मा को जागते देर नहीं लगती। और वो दरवाज़ा यदि खुल जाता है तो गुरुदेव ने उसका नाम दिया है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर का अवतरण। इंसान वही रहता है, उसकी चेतना यदि विकृत हो जाती है तो फिर उसका जीवन भूल में, भ्रम में, भ्रांति में बदल जाता है। दिखने में तो वैसा ही, आकृति वैसी की वैसी है। ऐसा नहीं है कि आप रावण को उठा लो, ऋषि को उठा लो तो दिखने में कोई अंतर है। चेहरा वही है, आँखें वही हैं, सब कुछ वही है, अंदर की चेतना बदल गई है। अंदर की चेतना यदि विकृत हो जाती है तो आदमी प्रेत, पिशाच, राक्षस बन जाता है। और अंदर की चेतना यदि पवित्र हो जाती है, व्यक्तित्व परिष्कृत हो जाता है, भावनाएँ आदमी की प्रकाशित होने लगती हैं, चिंतन उत्कृष्ट हो जाता है, तो उसी व्यक्ति के अंदर आपको गुरुदेव के दर्शन होने लगते हैं, विवेकानंद के दर्शन होने लगते हैं। व्यक्ति वही रहता है, व्यक्ति वही है, उसके अंदर, उसकी चेतना के अंदर देवत्व आ गया है। और हमारे अंदर के देवता को जगाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, साधना के माध्यम से संपन्न होती है। हमारे अंदर यदि साधना हो, अहर्निश एकदम यहाँ पर हम लोग आए हैं तो लगातार ये करने का, तपने का, तपस्या करने का भाव हो, तो फिर हमारे जीवन में देवता जागते हैं। मैं कहूँगा कि हम लोग यहाँ आए, गुरुदेव का हिस्सा बने, तो फिर यहाँ से अपने जीवन को निरंतर परिष्कार के मार्ग पर चलाने का भाव लेकर के जाएं। 1981-82 में पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी थी, यदि आप लोगों को मिल सके तो ज़रूर लेकर के जाइएगा। आंतरिक कायाकल्प का सरल एवं सुनिश्चित विधि विधान, कि हर व्यक्ति अपने जीवन को अंदर से कैसे बदल सकता है। गुरुदेव ने कहा बाहर से नहीं, बाहर से तो कालनेमी भी रूप बदल करके आता है, बाहर से तो रावण भी आता है तो ब्राह्मण का भेष धर करके आता है, बाहर से तो आदमी बदल जाता है, बाहर से कपड़े बदल लिए उससे आदमी अंदर से थोड़ी बदल गया। अंदर से जब बदलता है तो जीवन बदलता है। अंदर से बदलने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता है उसका नाम है साधना। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो एक भाव लेकर के जाएं कि जीवन में नवरात्रि की साधना, चंद्रायण की साधना, निरंतर एक के बाद एक दूसरी साधना हमारे संस्कारकों का परमार्जन करने के लिए, हमारे जीवन का परिष्कार करने के लिए कैसे हमारे व्यक्तित्व का अंग बन सकती है लेकर के जाएं। श्रद्धा को लेकर के जाएं, साधना को लेकर के जाएं। और तीसरी पुकार प्रज्ञावतार की है दोस्तों, कि लोगों की बुद्धि सुधरे। आज की तारीख में लोगों के पास बुद्धि की कमी थोड़ी है, बुद्धि पर्याप्त है, अकल पर्याप्त है। आदमी के पास बहुत सारी बुद्धि आ गई, पहले की तुलना में आदमी ज़्यादा ज़्यादा डिग्रियां लेकर के घूम रहा है, PhD पहले की तुलना में ज़्यादा है, पर उस बुद्धि का उपयोग क्या करता है आदमी? बुद्धि का उपयोग जो है भ्रष्टाचार के लिए करता है, बुद्धि का उपयोग जो है गलत काम करने के लिए करता है। कम बुद्धि है तो आदमी मंदिर के बाहर खड़े होकर के चप्पलें चुराता है, ज़्यादा बुद्धि हो गई तो देश बेच करके चला जाता है। आदमी के पास बुद्धि ज़्यादा हो गई तो ऐसा नहीं है कि वो देश के भले के लिए कर रहा है, आदमी के पास बुद्धि ज़्यादा हो गई तो उतना ही बड़ा षड्यंत्र कर रहा है, उतना ही बड़ा स्कैम कर रहा है, उतना ही बड़ा घोटाला कर रहा है। बुद्धि से सिर्फ इतना हुआ है कि आदमी के पास घोटाले करने के, भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके निकल करके आ गए। उस बुद्धि को सुधारने की आवश्यकता है। वो एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि एक व्यक्ति बड़ी बुद्धि, पढ़ लिख गया, PhD हो गई उसकी बहुत बड़े विश्वविद्यालय से, तो गया एक मंदिर में गया, बोला साहब आज मैं पंडित जी को बताऊंगा कि क्या मेरे पास कितनी बुद्धि है। तो उन्होंने पंडित जी से जाकर के कहा, मंदिर में बैठे थे पंडित जी, बोले साहब सबसे बड़ा कौन है? तो पंडित जी बोले भगवान बड़ा है। बोले भगवान बड़ा है तो मंदिर में क्यों खड़ा है?
बोले मंदिर भगवान का घर है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पर क्यों खड़ा है? बोले धरती सबको धारण करती है, इसीलिए धारण करने वाली है, धरती कहलाती है। बोले धरती बड़ी है तो शेषनाग पर क्यों खड़ी है? अब वो तो बहस करने के भाव से आया। बोले शेष भगवान है इसलिए। बोले शेष जी बड़े हैं तो भगवान शिव के गले में क्यों पड़े? बोले भगवान भगवान है, भगवान शिव है। बोले शिव जी बड़े हैं तो कैलाश पर क्यों खड़े? उन्होंने कहा साहब कैलाश भगवान शिव का धाम है। बोले कैलाश बड़ा है तो हनुमान जी की कानी उंगली पर क्यों खड़ा है? अब जो आदमी बहस करने के भाव से आया हो तो हर चीज़ में बोलेगा। तो एक साधु बाबा देख रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहस कर रहा है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। बोले तू इससे ये कह दे कि तू ही सबसे बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि भैया तू ही सबसे बड़ा है। बड़ा खुश हो गया, उसने कहा मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो साधु बाबा बोले कि तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है? तो क्या है, आदमी बुद्धि की दृष्टि से देखे तो तर्क है, आदमी एक से एक बहस करता जाए इससे कुछ नहीं निकलता। आदमी की बुद्धि को सुधारने की आवश्यकता है, और बुद्धि को सुधारने के लिए जो माध्यम है दोस्तों वो गुरुदेव का साहित्य है। हम लोग जन जन तक गुरुदेव का साहित्य लेकर के जाएं, चाहे हम लोगों के माध्यम से जो घटता हो लेकर के जाएं। और आज की तारीख में आदमी के पास ऐसा नहीं है, समय भले से कम हो गया हो सुविधाएं बढ़ गई पहले की तुलना में। ठीक है कि हम लोग उतना समय निकाल करके नहीं निकल पाते कि जाएं और दीवालों पर लिखें, बाहर की दीवालों पर नहीं लिख सकते, फेसबुक की दीवार पर तो लिख सकते हैं। फेसबुक की दीवार पर लिखने से कौन मना कर रहा है? आदमी फेसबुक की वॉल पर कुछ न कुछ लिखता रहता है तो गुरुदेव का चिंतन ही लिख दे, गुरुदेव के सद्वाक्य ही लिख दे, गुरुदेव के साहित्य से अंश ले और वहाँ पर लगा दे। यदि आप ये मान लो कि एक व्यक्ति के फेसबुक पर 200 लोग हैं और यहाँ पर 2000 लोग उपस्थित हैं, तो देखते देखते 400,000 नए लोगों के पास तुरंत गुरुदेव के विचार पहुँच जाएंगे, एक दिन में सुबह पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों साहित्य को पहुंचाने का भाव लेकर के जाएं। हम लोग यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मिल रहे हैं, अंदर की श्रद्धा को टटोल करके जाएं कि कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रही है, कहीं हम लोगों की आस्था, कहीं हम लोगों का विश्वास लड़खड़ाने तो नहीं लगा है। साधना का भाव लेकर के जाएं, जिंदगी में निरंतर साधना रहे। और साधना ऐसी चीज़ है जिसका कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। आप शिविर करेंगे तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, आप बीए करेंगे तो प्रमाण पत्र मिलेगा, एमए करेंगे तो प्रमाण पत्र मिलेगा। साधना करेंगे तो व्यक्तित्व के परिष्कार के अलावा कोई प्रमाण पत्र नहीं। आप साधना करेंगे तो आपके मन में संतोष मिलेगा, भगवान का अनुग्रह मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा, इतना मिलता है तो प्रमाण पत्र पर्याप्त। साधना का भाव लेकर के जाएं और गुरुदेव के साहित्य को, गुरुदेव के चिंतन को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लेकर के जाएं, तो आज इस सौभाग्य के क्षण में जब हम लोगों को गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर गुरुधाम में आने का अवसर और सौभाग्य मिला है, तब हम लोग कुछ यहाँ से सार्थक ले जा पाने की स्थिति में होंगे। ये सब हम लोगों के जीवन में आए, हम में से प्रत्येक के जीवन में घटित हो, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं।